गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 10 का रिवीजन और ग्रामर के लेसन 8 का रिवीजन। तो सबसे पहले ये लेसन का नाम है हेलेन केलर। तो अब आपको इस क्वेश्चन इधर इस लेसन में आपको कैसे भी घुमाकर क्वेश्चन दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स का फिलअप्स में, फिलअप्स का एमसीक्यू में आपको कैसे भी दे सकता है। सो मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे ट्रू और फॉल्स का। हेलेन लेवर वॉन्टेड टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, है ना। सो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ओके, अब अगर ऐसा लिखेंगे हेलेन वॉन्टेड टू लर्न हाउ टू डैश एंड डैश, तो वो आपका फिलअप्स हो जाएगा, है ना। एंड नेक्स्ट ये वाला, हेलेन लॉस्ट हर आई साइट ड्यू टू डैश करके दे देंगे, तो वो आपका एमसीक्यू हो जाएगा। वहाँ पे आपको तीन कोई भी ऑप्शन दे देंगे तो, ओके लाइक दिस। एंड टिक द करेक्ट आंसर का कैसे हो जाएगा, टिक द करेक्ट आंसर को आपको कैसे करना है, जैसे हेलेन वॉज एबल टू फिल विथ हर हैंड्स लिख देंगे तो वो ट्रू हो सकता है, अगर लेग्स लिख देंगे तो वो फॉल्स हो सकता है, डैश छोड़ देंगे तो वो फिलअप्स हो जाएगा। ओके, सो ऐसे आपको क्वेश्चन घुमाकर दे सकता है। अब हम यहाँ बात करेंगे मैचिंग की, तो मैचिंग पे भी आपको कैसे भी इसको फिलअप्स के रूप में भी दे सकता है। जैसे हेलेन केलर वॉज बॉर्न इन 1880 इन एलबामा इन दी US, तो आपको यहाँ कहीं पे भी आपको डैश करके फिलअप्स में भी ऐसा दे सकता है। अब आपको जेंडर जानना ज़रूरी है, जेंडर में मैन का क्या होता है, वुमेन होता है, बिच का डॉग होता है, लॉयन का लायनेस होता है, मेयर का हॉर्स होता है, किंग का क्वीन होता है, सिस्टर का ब्रदर होता है, बॉय का गर्ल होता है, हस्बैंड का वाइफ होता है। अब आपको ऐसे घुमा कर भी दे सकता है, अगर नहीं दिया एग्ज़ाम में फिर भी ये फ्यूचर में काम आता है। जैसे लॉयनेस का लॉयन दे सकता है, डॉग का बिच दे सकता है, मतलब डॉग क्वेश्चन में देते बिच आपको ऐसे दे दे तो ये। एंड नेक्स्ट आपको वो बताना है कि जो मतलब पर्सन क्या वर्क करते हैं उसके नामों के साथ। तो जैसे अ पर्सन हु टीचेस हाउ टू रीड एंड राइट, टीचर, ये आपको वन वर्ड में भी दे सकता है। अ पर्सन हु सेल वेजिटेबल्स, ग्रीन ग्रोसर, ओके, सो ऐसा दे सकता है इस लेसन पे। तो यहाँ पे हमारा ये ख़त्म होता है। अब हम ग्रामर करते हैं। स्टूडेंट्स, हम शुरू कर चुके ग्रामर, तो ग्रामर पे भी आपको वैसे ही दे सकता है। ये फिलअप्स है, आपको क्वेश्चन देकर आपको दे सकता है। यहाँ पे आपका सेम बॉक्स भी आएगा। सो जैसे विल यू रिटर्न सून, मतलब इसमें हम लोग को क्या यूज़ करना है, करेक्ट एडवर्ब यूज़ करना है। सून मतलब जल्द ही, आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा, आपको बस आंसर फिल करना है। ग्रामर में नहीं घुमाया जाता ज़्यादातर, पर घुमा के दिया जाएगा तो आपको समझना पड़ेगा। सो सबसे पहला विल यू रिटर्न सून, मतलब क्या तुम जल्दी आ जाओगे। Sometime it does not rain on time, मतलब कभी कभार बिन मौसम बारिश, मतलब बिन टाइम के बारिश होता है। अब नेक्स्ट है अंडरलाइन द एडवर्ब ऑफ टाइम, तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, जो टाइम के बारे में बताता है ना, जैसे यस्टरडे, टुमारो, टूडे, लाइक दिस, ऐसा रहता है। तो जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, विल यू रिटर्न लेट, ही लेफ्ट फॉर चंडीगढ़ यस्टरडे, मतलब टाइम बता रहे कि कल वो चंडीगढ़ के लिए चले गया है, ऐसा क्वेश्चन भी दे सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा आज का रिवीजन ख़त्म होता है। थैंक यू।